Yeah. Miss, please come here. That's right. एक मिनट आप नीचे आते हो। नीचे पीछे पीछे। अच्छा तू हटने थोड़ा जो अब लोग हटे ना तो मैं आऊँगा। थोड़ा थोड़ा बताओ। कर तो। ये मोबाइल। ये बोल रहे हैं। ये ओएस क्या कर रहा है? अरे भाई। कम दिस सर। एक मिनट एक मिनट। अरे आप नीचे आओ। लगा नहीं तो जल के मरेगा। गरम हो रहा है ना, गरम हो रहा है ना यार। मजाक नहीं कर रहे हैं ऐसी चीज का। शूट करने नहीं आया। बच्चे लोगों को सही बता देगा। जाल लगा कर रहा। कल ने मरने ले पसीने में। लगा उपकार मत कर। हाँ सीखा घर पे पहले सीखा। थैंक यू माँ। ब्यूटीफुल। आराम से कांचेगा। चल एक सेकंड स्पेस दो। ये मेरा चप्पल लेके गया क्या रे? नीचे करना राइट में सर। देखना नहीं लगाना भी सर। राइट में बोलो। सीधी बात है, अगर धरती से प्यार तो करो भूमि नमस्कार। बाबा किसी पे उपकार नहीं कर रहा है, अपने पे कर रहा है। मालूम है ना गर्मी कितनी हो रही। कल तूफान देखा ना कितना खराब हुआ। क्या खराब सिचुएशन रहा अपने लिए। संभालना चाहिए सबको एक दूसरे को। भाई लोग बच्चे सबके बच्चे बाबा लोग मैम राइट में। ईशा जी राइट। बढ़िया डन। थैंक यू। रुकिए तुम्हारा चल बिड़ो चल बाबा। अरे गिर जाएंगे। अरे 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 पे ना नीचे से ले जाओ। लंबा ले फुल ले। हाथ में चाय चले सर। लुक अपनी देख भाई क्या क्या खाना ले रहे। तुम लोग खाए क्या? हाँ हाँ निकल। जान तू वो चिल्ला था सर मुझे। निकल बाकी पत्नी के लिए चिटक नमक। इधर मुंडी इधर थोड़ा आगे आते ऊपर। ये एक नंबर लगा बच्चे लोग। आप नो बोल बच्चन क्या कहना चाहिए? आपका जो क्या स्लोगन रहेगा? नहीं नहीं सभी नो बोल बच्चन का मतलब ज्यादा बोलते ना वो करते नहीं। मेरे को ऐसा लगा था हमेशा कैमरा भी चले। इतना मुश्किल है इतने लोग को आगे बोलना चाहिए। इतने बड़े बड़े हिल रहे एक झाड़ लगाने की बात कर रहा है। हर स्कूल में बोलना चाहिए। अपनी माँ अपने बच्चों को बोलना चाहिए। अपना बच्चा अपने माँ के बर्थडे पे लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच। माँ बाप की सेवा कर। तंबाकू कौन खाता? एक फोटो चल 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 चल
आजकल बहुत भूख लगी, दो चार रोड़ा भी मिल गया। अरे भाई निकाल दे अभी, सर भाई बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आसिफ भामला फाउंडेशन इज डूइंग इट, वेयर जहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं मुंबई में वहाँ पर ट्री प्लांटेशंस हो, जितने भी हो। और ये स्कूल कि मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ और यहाँ पर आकर मैंने एक ट्री लगाया है, तो दैट्स अ वेरी वंडरफुल फीलिंग फॉर मी। और ये हमारे लिए नहीं है सिर्फ, अगर जैसे कि आपने कल देखा एक तूफान था, स्टॉर्म था, दुबई में फ्लड्स हुए, ऐसे कई कई चीज़ें हो रहे हैं पूरे दुनिया में, तो ये एक वेकअप कॉल है बाय मदर नेचर टू प्रिजर्व द नेचर, प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ द नेचर, जो हमें बहुत कम दिखने लग रहा है आजकल। और सिटी लाइफ बोल के सारे ट्रीज़ कम हो रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्लांट करें और हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए करना ज़रूरी है। लास्टली अभी जाना चाहेंगे, अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है मैम? जी मेरे कुछ फिल्म्स हैं जिनके शूटिंग चालू है अभी, तो बहुत ही जल्द आपको मिलेगा अनाउंसमेंट एंड आई एम हैप्पी टू बी वर्किंग। मुंबई में चुनाव हो रहे हैं तो जी, कैसे सपोर्ट कर रही हैं हेमा मैम को, किस तरह सपोर्ट कर रही हैं? जी मैं उनकी बेटी हूँ, उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ। हम मथुरा भी गए, वहाँ पर मेरी बहन आहना और मैंने सारे यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के यूथ कॉलेजेस में जाके सबको अर्ज किया टू गो आउट एंड वोट। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। Yes, plantation drive, yes. Plantation drive and climate conservation. Bhoomi Namaskar, yes. Ji, ji, ji. What do you think upon it and what's your take on that? We've started with a lot of things. हमने beach cleanups किए हैं, हमने you know plastic bottles का कम use करने के लिए हमने you know reusable bottles दिए हैं, हमने schools में colleges में हमने benches लगाए हैं promenades पे जो recycle plastic की है. So I think this is a part of that. And पेड़ प्लांट करना एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि उसका क्या फ़ायदा होता है। हमने देखा कल यहाँ पर क्या हुआ, इट इज़ अ पार्ट। कभी देखा था कल बॉम्बे में जो हुआ कल, अपने हमने तो कभी नहीं, मैं 8-10 साल से ऐसा नहीं देखा कि अजीब से अभी धूप थी एकदम से वो सब हुआ, एंड इट्स रियल। सो प्लांटिंग इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल, सबको पता उसके बेनिफिट्स क्या हैं। और यू नो जैसा कि जाकिदा ने अंदर बोला कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम यू नो बर्थडे पे प्लांट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यू नो मैनग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सॉइल को जगड़ के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लडिंग उससे कम होती है, बहुत सारी चीज़ें। सी देर आर लॉट ऑफ प्रिकॉशन, जैसे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि आप यू नो ज़्यादा बायो डिग्रेडेबल चीज़ें यूज़ करें, जैसे कि हम कप्स यूज़ करते हैं तो वो यू नो बार बार री यूज़ कर सकते हैं, स्टील के कप यूज़ कीजिए, अर्दन चीज़ यू नो यूज़ कीजिए, जो भी चीज़ आपको पता है कि ये बायो डिग्रेडेबल नहीं है इसको बाहर मत फेंकिए, जैसे प्लास्टिक्स को कम कीजिए। कागज़ की चीज़ें बननी शुरू की, आजकल तो हर चीज़ यू नो कागज़ और गत्ते की बनती है, बट वो आपको पता है वो अगर आपने फेंक भी दी मिट्टी में तो वो धीरे धीरे बायो डिग्रेड होकर उसका हिस्सा बन जाएगी, प्लास्टिक कभी नहीं उसका हिस्सा बनता। सो यार इट्स आई थिंक इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स दिस यू नो एवरी थिंग्स फ्रॉम नॉट यूजिंग टू मेनी प्लास्टिक्स टू यूजिंग लेस वाटर टू कंज्यूमिंग यू नो लेस इलेक्ट्रिसिटी। अगर फालतू में आपके घर में चीज़ें ऑन है आप वो भी यू नो बंद करो। सो आई मीन यू नो इट्स वी जस्ट लॉन्च्ड डेनिम मेड आउट ऑफ सिगरेट बट्स, यू नो जस्ट लास्ट मंथ, उस सिगरेट बट्स को लेके उन्होंने एक डेनिम में क्रिएट कर दिया। सो आई मीन बींग पार्ट ऑफ दीज लिटिल थिंग्स, यू जस्ट हैव टू बी लिटिल कॉन्शियस अबाउट एवरी थिंग, यू नो यूज़ वन ग्लास द इंटायर डे, क्या फ़र्क पड़ता है, और अर्दन ग्लास यूज़ कर लो या कॉपर का ग्लास यूज़ करो, उसकी हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। सो या जी चुनना, थैंक यू सो मच। हाँ जी हाँ जी सॉरी Yes. I think it's a fantastic thing because there's a lot of stuff that we do here. Beach cleanups. We've distributed millions of you know steel bottles everywhere. So we're trying to you know plantation drives, education drives. We put recycled plastic ke benches on promenades. Ayodhya mein lag gaye hain, sab jagah lag gaye hain. You know Ahmedabad mein lag gaye hain. It's a great initiative and it's a very real sort of an initiative. I feel so. Congrats. I don't think this is the right time to talk about work. Tree plant karna bahut important hota hai. And in fact, aaj ki generation mein ye ek bahut
हैबिटुअल चीज़ बन गई है. मेरे बहुत मेरे सारे फ्रेंड्स करते हैं, मैं खुद भी करती हूँ, और मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव रखती हूँ कि इफ मदर नेचर इज़ प्रोवाइडिंग सो मच टू अस, इनफैक्ट लाइक द इंटायर एग्जिस्टेंस टू अस, हम अपना इतना सा बिट तो कर ही सकते हैं. एंड थ्रू दिस इट्स लाइक what you give you get back. तो अगर हम प्यार देंगे अपनी मदर नेचर को तो हमें प्यार वापस मिलेगा, और प्यार किसको नहीं चाहिए. क्या बात है, जिस तरह लापता लेडी सक्सेस हुआ और लोगों ने जिस तरह पसंद किया, अभी भी आपको जिस तरह से सबका रिएक्शन मिला, कैसा लगता है अब आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे नांशी कोयल के नाम से तो प्यार करते थे, अब फूल कुमारी के नाम से इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है. आई रिमेम्बर मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, पीपल आर रिकग्नाइजिंग मी थ्रू फूल कुमारी, उनको मुझे में फूल ही दिखती है. और अब तो मुझे नया निकनेम भी मिल गया सजनी, बिकॉज सजनी इज़ ट्रेंडिंग ऑल ओवर, एंड दे लाइक आप ही हमारी असली सजनी हो, एक ऐसी सजनी तो हम भी डिजर्व करते हैं. इट्स ऑल वेरी एडोरेबल. कुछ टाइम पहले ये फुटेज काफ़ी वायरल हो रहा है मेट गाला का, यू नो, आपको क्या लगता है सच है कि झूठ है? मुझे पूरा मैं विश्वास था कि सच में पहुंची होंगी, क्योंकि देख के ऐसा नहीं लगा कि फेक है. बिल्कुल. आपको क्या कैसा लगा जब मैंने वो फोटो देखी थी ना, मुझे भी लग रहा था ये कब हुआ, ऐसे कैसे हो गया, बिकॉज मैं थोड़ी देर पहले ही मेट गाला का मैनिफेस्टेशन कर रही थी कि यार कभी मुझे भी जाना है. एंड टर्न्स आउट आप सब ने मुझे फूल कुमारी को मेट गाला में पहुंचा दिया, और वो पिक्चर को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सबको लग रहा है बहुत अच्छे मिल रहे हैं. मुझे डर था कि अरे ये क्या है, ओ माई गॉड, बट इट इज़ गेटिंग सो मच लव. पीपल आर लाइक फूल अपनी टाइमलेस साड़ी में इज़ क्रिएटिंग आइकॉनिक लुक्स इन मेट गाला. वेल हमारे इंटरव्यूज में तो हमने भी सीक्वल टू के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है कि फूल शायद से अपनी कलाकंद की शॉप खोलेगी, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाएगी, बट अब सब ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है और देखते हैं. पर फिलहाल के लिए आप लापता लेडीज देख सकते हैं. वेल मैंने एक कोरियन प्रोजेक्ट भी साइन किया और बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट साइन किया, पर मैं आपको नहीं बता सकती. मैं आपको बाद में. हाँ जी,